अच्छा उर्वा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं तुम्हें पहली पहली दफा मिला था तो तुम और तुम्हारी बहन बाबरा एकदम से एक्सप्लोजन आया था, एकदम से एक्सप्लोजन था सोशल मीडिया का, मगर उस वक्त सोशल मीडिया के साथ साथ बहुत ज्यादा बिकॉज क्योंकि बाकी लोगों का इस तरह कुछ नहीं था, तुम लोग पहले दफा थे, ये हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज हो रही थी, तो बहुत ज्यादा लोग कहते थे कि दिस इज जस्ट सोशल मीडिया फेम, एंड देन यू प्रूव देम ऑल रॉन्ग एंड नाउ यू आर हियर। अगर तुम उस वाली माबरा को और उस वाली उर्वा को इकट्ठे मिलके एक एडवाइस देती जब ये सिचुएशन शुरू हुई थी तो क्या एडवाइस देती? कौन सी सिचुएशन? सोशल मीडिया वाली? जब शुरू नहीं, सब काम शुरू हुआ था, जब एकदम सोशल हुआ था और अब तुम यहाँ आ गए हो, तभी तुमने सोचा था कि तुम यहाँ? एडवाइस में क्या देती? आई डोंट थिंक कि मेरे और माबरा में से किसी को भी अपनी किसी चॉइसेस पे कोई रिग्रेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि वी वर प्रीटी स्मार्ट फॉर Very smart. For being newcomers. Matlab, I think everything starts with giving respect to the people who are already there and learning from them and valuing their work. And I think agar is tarah aap shuru kare na, to everything goes right. Everything. Balki aapne mujhe meri aur maabra ki shuru shuru ka time yaad karaya, to mujhe wo wala time bhi yaad aa gaya jab hum aapko naya naya bahut zyada mil rahe the, jab meri shaadi thi. Aur ये ऑडियंस के लिए एक स्टोरी हो सकती है. यूजुअली मतलब मैं बहुत जब मैं आपके पास आ रही थी तो अपने जहन में इंसान के होता है कि अच्छा मैं ऐसा जोड़ा पहनूंगी, बट आप थोड़े से होते हो कि यार एक डिजाइनर है वो ऑलरेडी हैज अ नेम, आप उसको कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या पहनना है. सो गाइस व्हेन आई वेंट टू शेरू, शेरू सामने बैठे मैं अपने टेबल के ऊपर और कह रहे हैं बताओ तुमने क्या क्या सोचा है, और मैं बोलती जा रही हूँ और शेरू ड्रॉ करते जा रहे हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे कलर सोचा है, ऐसा मोटिव चाहिए, मतलब मेरे जहन में जो भी एक आइडिया था वो शेरू ने ड्रॉ करके पेपर पे रखा और कहा. और फिर मैं ना आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फीडबैक कि अभी शेरू कहेंगे कि नहीं ये तो फैशन का नो है और ये यस है, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नो दैट मच. तो शेरू ने कहा बेबी एग्जैक्टली यही बनी, विच वॉज सो काइंड ऑफ यू, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट. क्योंकि मैं आई थी ना जरा कि यार अच्छा अभी आएगा कि नहीं ये नहीं हो सकता और ये होना चाहिए, एंड आई एम अ डिजाइनर, आई विल टेल यू हाउ इट्स डन, बट यू वर सो काइंड एंड सो स्वीट, सो सिंस देन यू हैव दिस स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. उर्वा, तुम्हारी और तुम्हारी बहन दोनों को जब मैं पहली दफा मिला था ना, यू हैड अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट फ्रॉम देयर, बिकॉज़ तुमने जो सबसे जरूरी बात की, तुमने मुझे उस इज्जत से मिला और उस काइंडनेस से मिला जिस तरह तुम सबको मिलते थे, कि एकदम से मुझे लगे आई एम टॉकिंग टू माय सिस्टर्स, लाइक जैसे मेरी बहनें, आई फेल्ट दैट ब्रदर सिस्टर कनेक्शन इमीडिएटली. उसके बाद मैं बड़ा बिकॉज अभी सोशल मीडिया शुरू हुआ था और तुम लोग इतने सोशल मीडिया पर थे, मैं बड़ा डिफेंड करता था, मैं कहता था यार आई डोंट थिंक वी रियली हैव सीन द मैजिक दैट दीज गर्ल्स आर अबाउट टू ब्रिंग, बिकॉज ये सिर्फ इज्जत और पॉपुलर नहीं है, ये टैलेंटेड है. Or That's watch their talent. And look at you today, yaar. Look at you. Allah, tum aaj na sirf ek bahut badi star ho movies and television pe, aaj tum ek producer bhi ho. Kya baat hai, yaar. Tum, kya baat hai. I mean, come on. Taal yaan. Main toh aaj hai, pehle film. Ban gayi na. Ban gayi hai. Yehi main chahta hoon ki people should know ki agar, if you reach for the stars and you follow your dreams, kya kya ban sakte hain. अपनी फिल्म के बारे में बताओ, टेल मी मोर अबाउट दिस, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट. यार फिल्म जो थी ना वो बड़े मजे का एक जर्नी था जो के शुरू हुआ, मतलब फिल्म जब एक्चुअली फ्लोर पे जाती है तो उससे कोई एक डेढ़ साल पहले से आप उसके लिए प्रेप कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि बहुत सारी तैयारी उसके लिए चाहिए होती है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद डिवेलपिंग द स्क्रिप्ट, गेट फाइंडिंग अ स्टोरी दैट यू रियली वांट टू टेल ऑन सिनेमा, एंड देन फाइंडिंग द राइट पीपल टू प्ले दोज कैरेक्टर्स, एंड देन हैविंग दैट डायरेक्टर हु बिलीव्स इन योर विजन एंड हु यू नो हु यू कैन वाइब विद. सो वी हैड कासिम अली मुरीद, वी वर रियली लकी दैट वे, ही इज अ डियर फ्रेंड ऑल्सो, एंड सो हमने साथ मिलकर पहले तो वो कहानी डिवेलप की. Then comes the casting, and मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी बहुत बहुत blessed थे कि जो हमने सोचा कि ये character ईमान का है, ये character फरहान का है, ये character फिरोज का है, ये सोनिया का है, even the seniors for that matter जो हमने सोचा शेरू वो actually अल्हम्दुलिल्लाह हुआ. We had सुहेल साहब, we had कवि साहब, and you know all of them जो कि मजे की बात थी, जो कि अच्छी बात थी, जो जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था वो उसमें बिलीव करता जा रहा था. तो आपका जब पहला प्रोजेक्ट होता है और आपके साथ इतने सारे लोग उसमें बिलीव करने लगे, मतलब वी हैड
मरीना खान एंड वी हैड समिया मुमताज एंड हुमेरा जी, गुले राना जी, तो वो सब जब स्क्रिप्ट पढ़ते गए अपना अपना कैरेक्टर, और उनको भी यही फील हुआ कि हमने उनको सही कैरेक्टर पिच किया एंड दिस इज द पार्ट दैट दे शुड बी प्लेइंग, तो आपको साथ साथ एक स्ट्रेंथ मिलती जाती है अपनी टीम से कि अच्छा आप कुछ ठीक ही सोच रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन. कास्टिंग बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, जो कि मतलब एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज वी बीन थ्रू दैट, तो वी नो कि बिल्कुल आसान नहीं होता. कहानी तो आप सोच लेते हैं, आप एक जो भी आपकी फैंटेसी है, जो भी आपको एक स्टोरी समझ में आती है कि आपको लोगों को सुनानी है, बट फिर उसके अंदर वो लोग चाहिए, आप खुद से वो स्टोरी नहीं सुना सकते, यू नीड पीपल टू टेल दैट स्टोरी, यू नीड दोज एक्टर्स. तो वी गॉट सो लकी विद एवरीबॉडी एंड it was such a fun journey, bahut maza aaya, there was a lot of hard work which everybody was in together, but I think it was such a fun time sheru ki wo jo pura hamara shooting spell tha wo I think we are going to cherish forever. Ek to hamari pehli film, pehli production, I think every day was full of memories and full of moments that we'll always cherish. Yaar jo ad lag raha hai na, jo ad lag raha hai, main tumhe bataun Urva, Allah ki kasam main dekh raha tha, एकदम से मेरे फीड पे आए. ऑफ कोर्स टिचपट की बातें हो रही थी उस वक्त, इतनी फिल्म्स आई नो कि प्रोडक्शन में थी, मगर टिचपट की बहुत बात हो रही थी, तो आई वाज लाइक ओके देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स बंदा सोच भी रहा होता है कि यार ओके, इसकी पहली फिल्म है, शी इज प्रोड्यूसिंग, फरहान भी है, फिरोज भी है, साथ इमान भी है, उनके किस तरह की जोड़ी नजर कैसे आएगी, हाउ विल इट ऑल. किसी को नहीं बताया कि आई एम प्रोड्यूसिंग बिकॉज आई थिंक मुझे वो तमाम लोग जो मेरे साथ उस चीज में बिलीव कर रहे हैं उनकी बहुत जरूरत थी बिफोर आई टेल द वर्ल्ड दैट आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग. Because obviously I was not experienced as far as production is concerned. I was learning every day. So matlab maine apne sets pe jo bhi suna aur jo bhi sikha, I always had the aptitude. I was always all ears with what's happening behind the camera. You're always all ears. I was acting and I happened to work with the best. I started with Fizza and Nabeel. That was my debut film. My co-star was Fahad Mustafa. Then I did Punjab Nahi Jaungi. I had Humayun Saeed. And Nadeem Beg is directing me. And then I had Mehvish as a co-star. And then happened Rangreza, which was again quite an experience. It was a different genre ki film. So I mean, I was completely. All yours, all this. But usko actually practically karna, matlab bahut aap nervous hote hai, obviously. Kyunki ek bahut nahi si cheez hoti hai. And the stakes are so high. मतलब इतनी कोई छोटी सी चीज नहीं है कि आपने शुरू की, अच्छा नहीं हुई तो कोई बात नहीं. यू डोंट वांट टू गो रॉन्ग विद एनीथिंग बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट दैट यू आर डूइंग. सो आई मीन आई फील आई हैड द एडवाइस फ्रॉम एवरीबॉडी, द पीपल दैट आई हैड वर्क विद, लाइक फिज़ा सेड टू मी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ दैट यू नो इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम देयर. तो वो बहुत काइंड चीजें भी मेरे साथ हो रही थी, मैजिकल चीजें, दैट एवरीबॉडी वाज देयर टू हेल्प मी आउट. नदीम सेड टू मी, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी चाहिए हो, जस्ट लेट मी नो, यू नो. सो दैट आई हैड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. But then again, फिर उतना ही प्रेशर भी था कि ओ सो मेनी पीपल आर वॉचिंग आउट कि अच्छा मैं कर रही हूँ ये, नदीम इज गोना नो, ही इज गोना वॉच द फिल्म, फिज़ा इज गोना वॉच द फिल्म, यू नो ऑल दीस पीपल दैट आई रियली लुक अप टू आर गोना वॉच व्हाट आई हैव डन. या एवरीवन इज गोना वॉच इट.